इस सनसनीखेज खबर पर हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। खुद पर गोली चलवाने की साजिश बेनकाब होने के बाद बीजेपी के सांसद कौशल किशोर का बेटा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद फरार हो गया है। पुलिस आयुष को ढूंढ रही है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आयुष फरार हो गया। आयुष ने अपने ऊपर अपने साले से खुद गोली चलवाई, आयुष ने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया है। अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद वो फरार हो गया। पुलिस ने इस बात का खुलासा खुद किया, उसके साले को पकड़ के आयुष के, और आयुष के साले ने पुलिस के सामने कबूलनामे में बताया कि बीजेपी सांसद के बेटे आयुष ने अपने ऊपर खुद गोली चलवाई और गोली चलवाने के पीछे मंशा ये थी कि वो कुछ 4-5 लोगों को मुकदमे में फंसवाना चाहता था। आपसी रंजिश की वजह से ये साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे घटना का खुलासा कर दिया, इस चौंकाने वाली घटना का। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि बीजेपी सांसद के बेटे आयुष, जिसने अपने ऊपर खुद गोली चलवाई थी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद, अब वो फरार है, पुलिस उसको ढूंढ रही है। हम आपको सुनवाते हैं इस चौंकाने वाली घटना में मुख्य आरोपी का कबूलनामा। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता। देखो, आप ऐसा बोला था कि 4-5 लोग हैं, सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से मारी। आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से ही मारी। खुद को फंसाने के लिए कोई खुद पर गोली चलवा ले, दूसरे को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवा ले, सुनने में एकदम फिल्मी सा लगता है, अजीब सा लगता है, लेकिन सच यही है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये घटना हुई और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सांसद के बेटे की साजिश, ये तस्वीर उसकी, और साले ने खुद चलाई गोली अपने जीजा पर, और उसके बाद ये खुलासा अब पुलिस ने किया है। संजय त्रिपाठी इस खबर के साथ, अपडेट के साथ हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ गए हैं। संजय, खुद साला भी फरार हो, साले ने कबूलनामा भी कर लिया, उसके बाद आयुष अस्पताल से फरार कैसे हो गया? जब पुलिस को ये पता चल गया इसने खुद साजिश रची, खुद गोली चलवाई। देखिए विकास, जिस तरह से मंगलवार की देर रात ये घटनाक्रम हुआ था, उसमें प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा था कि आयुष के साथ कुछ बदमाशों ने पहले तो बदतमीजी की और वाद विवाद हुआ, तो उसके बाद उसको गोली मार दी। और इसी सूचना के आधार पर पुलिस पहुंची मौके पर, आयुष को लेकर के उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। लेकिन सुबह होते होते ये नाटकीय खुलासा हुआ कि आयुष ने अपने जो साला है आदर्श, उसी से कह करके खुद अपने ऊपर फायर करवाया था। और इसके बाद हिरासत में लिया गया आदर्श, उससे पूछताछ लगातार जारी है। और इसी बीच जब आयुष को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, जब उसकी हालत थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी, तो उसको डिस्चार्ज किया गया। लेकिन वो अपने घर जाने के बजाय कहीं फरार हो गया है, उसके बारे में पुलिस जानकारी कर रही, क्योंकि उसका मोबाइल का लोकेशन नहीं मिल पा रहा, मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है। ऐसे में उसका अचानक से गायब होना भी बहुत संदिग्ध हो जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि पूरे घटनाक्रम में, चूंकि मोहनलालगंज के जो भाजपा के सांसद कौशल किशोर है, उनकी तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है, तो ऐसे में पुलिस अपनी तरफ से FIR दर्ज करने जा रही है और माना जा रहा है कि उसके बाद आदर्श को गिरफ्तार किया जाएगा। और एक और चीज विकास आपको बता दूं, जो पिस्टल मिली है जिससे गोली चलाई गई है, वो पिस्टल अवैध बताई जा रही है, क्योंकि अभी जो उसका सीरियल नंबर है उस बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल रही। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोलकाता से जहां से पिस्टल बनी है, वहां से भी इंक्वायरी की जा रही है। जी आदर्श जी, संजय आप बने रहिए, अब आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर से ABP न्यूज ने बातचीत की और जानते हैं कि ठाकुर ने क्या कहा। रात में करीब 2:10 के आसपास ये घटना बताई जाती है, और उस समय जो पुलिस को खबर दी गई थी वो ये दी गई थी कि सांसद जी के बेटे आयुष पर अज्ञात हमलावरों ने 3-4 गोलियां चलाई है और उनको अस्पताल दाखिल कराया गया है। हम लोगों ने इसकी तहकीकात करना शुरू किया, तो तहकीकात दौरान हमें ये पता चला कि जब ये घटना हुई थी, कथित घटना हुई थी, तो उसमें सांसद जी के बेटे के साथ उनके साले भी मौजूद थे। फिर जब हम लोगों ने लोकल पूछताछ की, CCTV फुटेज वगैरह देखे, तो उसमें सांसद जी के बेटे के साले की कुछ गतिविधियां संदिग्ध लगी और ऐसा लगा कि वो कुछ छुपा रहे हैं, कुछ असलाह वगैरह छुपा रहे हैं अपने कपड़ों में। तो फिर हम लोगों ने संदेह के आधार पर सांसद जी के बेटे जहां रहते हैं उस घर की तलाशी ली, तो हमें वो पिस्टल मिल गया एक, और पिस्टल को सूंघकर देखा गया तो लगा कि उसमें हाल ही में उसमें गोली चलाई गई है। फिर हम लोगों ने उस पिस्टल के आधार पर, CCTV फुटेज के आधार पर,
जब सांसद जी के बेटे के साल इस गहराई से पूछताछ की और उसने ये बताया कि मैंने ये गोली अपने भनोई पर चलाई है और ये गोली मैंने अपने भनोई के कहने पर चलाई है। उसके पीछे क्या वजह है थी गोली चलवाने की, उसके कहने पर उसका कहना था कि ये हमारे भनोई इस घटना में कुछ लोगों को फंसाना चाहते थे। अच्छी बात यह है कि जो सांसद जी के बेटे हैं स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अस्पताल से रात में डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी उनसे हमारा पूछताछ, पुलिस का पूछताछ होना बाकी है। हम उनसे पूछताछ करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसी घटना क्यों करवाई और जो ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे वो किस लोग फंसाना चाहते थे वो कितना सही है कितना गलत। अभी जो क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी हमारे पास कस्टडी में वही सांसद जी के बेटे के साले हैं। इसमें आगे और क्या होगा, क्या FIR भी होगी? जरूर होगी, FIR जरूर होगी जी। जो पिस्टल मिली है क्या उसका लाइसेंस पता चला किसके नाम है? अभी तक पता नहीं चल पाया, उसकी भी तहकीकात जारी है। अच्छा, और कोई गिरफ्तार हो सकता है अभी या इसमें और नाम सामने आ सकते हैं? आएंगे, जरूर गिरफ्तार करेंगे। जीजा साले की साजिश का पर्दाफाश CCTV फुटेज और उस पिस्टल से हुआ जिस पिस्टल से गोली चलाई गई थी। ABP न्यूज ने BJP सांसद कौशल किशोर से भी बात की, सुन लेते हैं कौशल किशोर का क्या कहना है। बात करने के लिए हमारे साथ सांसद कौशल किशोर मौजूद है। क्या सर घटनाक्रम है, थोड़ा पूरा बताएं। पारिवारिक मैटर कोई नहीं है, दरअसल में उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी और चूंकि हम लोग इस बात से सहमत नहीं थे क्योंकि वो लड़की जो हमारी जानकारी में थी वो खुद बाद में आई, उसने बताया कि वो पहले से शादीशुदा थी और उसने बोला आयुष की हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है, तो अपनी मर्जी से उन्होंने उससे शादी कर ली और फिर वो अपना अलग रह रहे थे। और अब ये जो घटनाक्रम है इसमें जो मैं हॉस्पिटल गया, मिला आयुष से, पूछा, उसने बताया कि शाम को मैं साले के साथ अपने रात में घर से निकला तो मेरे ऊपर लोगों ने गोली चलाई, मैं उनको पहचानता नहीं, जो उसका बयान है मैं बता रहा हूँ। जो उसका साला है आयुष का आदर्श, उसका ये कहना है कि कुछ लोगों को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची गई थी, कुछ नाम भी बताए उसने, आपको जानकारी है ये लोग कौन है? मैं मेरे संज्ञान में नहीं है, अब ये तो आयुष जाने और आयुष का साला जाने कि हकीकत क्या है। और इस तरीके की बात अगर कर रहा था आयुष तो उसके साले को गोली नहीं मारनी चाहिए थी और उसको ये बात कि कुछ लोगों के फंसाने के लिए अपने गोली मरवा रहे हैं हम लोगों को बतानी चाहिए थी, उसने हम लोगों को ना बता करके, और अगर उसने इस तरह का किया है तो अगर वही गोली सीने में लग जाती तो वो मर जाता। तो वो उसके साले को से अगर इस तरह की बात हुई और उसने कहा भी तो ये बात कम से कम उसको हम लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी। अच्छा, आपका बेटा है आयुष, तो कभी चर्चा हुई है उससे कि किन लोगों के साथ उसको रंजिश है या जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं फंसाने के लिए उसने गोली चलवाई अपने ऊपर, कभी जिक्र नहीं हुआ आपसे, कभी आपको कुछ जानकारी नहीं मिली इस बारे में? नहीं, इस तरह की कोई बात थी ही नहीं कि जो जिससे लगता था कि कोई जानलेवा हमला हो सकता है या इस तरह की कोई बात हो सकती है, तो इस तरह का कोई जिक्र नहीं हुआ। बस वो बताता था कि एक दो लोग हैं जो वो बदतमीजी से बात करते हैं, केवल इतनी सी बात बताई और नहीं बताया कुछ। कौन एक दो लोग हैं बदतमीजी से बात करते हैं, क्यों करते हैं? नहीं बताया मुझे, उसका कोई रहा होगा क्योंकि हम लोग ज़्यादा संपर्क में नहीं थे, इसलिए संपर्क में नहीं थे क्योंकि जो है वो उसके शादी कर लेने के बाद वो कभी कभार ही हम लोगों से फ़ोन करता था, कभी कभार आता था। अच्छा, आप आयुष से मिलकर भी आए थे अस्पताल में, डिस्चार्ज भी हो गया है, उसने आपसे कोई जिक्र नहीं किया कौन है जिन लोगों के फंसाने की बात आ रही सामने? आयुष ने किसी का नाम नहीं लिया और उसने मुझसे यही कहा कि हमने मारने वालों को हम पहचानते नहीं। मतलब ये बात अभी भी आपसे भी स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसने खुद पर गोली चलवाई? नहीं नहीं, ये तो स्वीकार ही नहीं किया और किससे रंजिश है या किसने चलाई है उसका भी स्वीकार नहीं किया। बात करने के लिए सांसद कौशल किशोर हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आयुष ने फिलहाल कोई जानकारी उनको नहीं दी है, पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और आयुष से कम बातचीत होती थी क्योंकि वो अलग रहता था शादी के बाद से। कैमरामैन फैसल के साथ
संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। पढ़ते हैं खबर की तरफ और हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर सीधे जुड़ गए हैं। आयुष पर जो गोली चली थी उस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन अभी का अपडेट यह है कि आयुष उपचार कराने के बाद जेल से अस्पताल से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सीधे डीके ठाकुर का रुख कर लेते हैं। ठाकुर साहब, आपका एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जो आयुष है वो फरार कैसे हो गया अस्पताल से, क्योंकि पुलिस तो सुरक्षा में उसके लगी होगी और जब ये खुलासा हो गया था कि उसने खुद गोली चलवाई अपने ऊपर तो वो तो खुद भी साजिश करता था। देखिए, जब ये खुलासा हुआ और जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ उसमें काफ़ी अंतर था। जब अस्पताल में वो दाखिल हुआ था तब वो घायल था, विक्टिम था और हमारी नज़रों में वो अभी अभियुक्त नहीं था और हमारी इन्वेस्टिगेशन पैरेलल चल रही थी और उस समय उस पर कोई शंका नहीं थी। उसने तो बहुत पहले ही अस्पताल में ये लिख के दे दिया था, जो हम लोग को बाद में पता चला जी, कि मैं स्वयं जाना चाहता हूँ। अस्पताल वाले उसको अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे कि उन्होंने लिख के दिया था कि नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। उस आधार पर वो अस्पताल की इच्छा के बिना चला गया और हम लोग जब इनके साले से पूछताछ कर रहे थे, घटनाक्रम खुलासा कर रहे थे, पिस्टल की रिकवरी कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, उस सबसे खुलासा हुआ कि उन्होंने ये घटना स्वयं कराई है। और खैर कोई बात नहीं है, जो हमारी कानूनी कार्रवाई उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जितने देर वो हमसे दूर रहेंगे, हमसे भागे रहेंगे, उस पर कानून के नज़रों में और संदेह पुख्ता ही होता रहेगा और जरूर लगेगा कि वो किसी साजिश के साथ ये घटना करा रहे थे और हमारी जो कानूनी कार्रवाई होगी यथावत जारी रहेगी जी। क्या ये पता चल पाया आदर्श से पूछताछ में, जो आयुष का साला है, कि आखिर ये इस घटना के अंजाम देने के पीछे मंशा क्या थी? देखिए, जहाँ तक आदर्श ने बताया है, आदर्श का यही कहना है कि वो स्वयं उस पर गोली चलाना नहीं चाहता था, कई बार हिचक रहा था, कई बार डर भी जाहिर कर रहा था, लेकिन आयुष ने उसे बार बार कहा कि तुम मत डरो, हम देख लेंगे, हम मामले को हैंडल कर लेंगे। और जब आदर्श ने पूछा आयुष से आखिर ऐसा क्यों करवाना चाहते हो, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि हम 3-4-5 लोगों को फंसाना चाहते हैं। उसमें कुछ नाम भी आदर्श ने बताए हैं, कि नाम के अलावा ज़्यादा डिटेल हमें नहीं मिल पाया अभी तक। हम स्वयं चाहते थे कि सांसद जी के बेटे हमारे सामने आ जाते तो सारी बात बता देते तो पुलिस के सामने भी खुलासा हो जाता, आम जनता के सामने भी खुलासा हो जाता उन्होंने इसी घटना क्यों की, क्यों कराई। लेकिन वो पुलिस से दूर रह करके अपने खिलाफ संदेहों को और पुख्ता ही कर रहे हैं जी, तो हम अपनी कानूनी सलाह ले रहे हैं, उसके अनुसार हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे जी। ठाकुर साहब, ये इस तरह की घटना को अंजाम देना कि खुद पर गोली चलवा लें और खुद पर गोली चलवा के दूसरों को फंसा दें, ये आम तौर पर आम अपराधी नहीं करता है, ये क्या कोई पहले भी इतिहास है आयुष का किसी तरह के अपराध में इन्वॉल्व होने का? अभी तक ऐसा कोई इतिहास ज्ञात नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम अन्य थानों से, अन्य जिलों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसा कोई इतिहास है। अभी तक जो हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि पिछले वर्ष उसने अपने परिवार और पिता की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था, अंतर्जातीय विवाह किया था और उसके बाद से ही यह अपने पिता से अलग रह रहा था। पिता भी इससे काफ़ी खुश नहीं थे, इसके पिता भी कई टीवी चैनल्स पर आए हैं और उन्होंने भी स्पष्ट रूप से ये कहा है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है पुलिस के लिए, समाज के लिए, कि यदि इसके हमारे बेटे के साले ने ये कह रहे हैं कि उनके कहने पर उन्होंने गोली चलाई है और ये बात सही है तो मेरा बेटा गलत है और मेरे बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जी। देखिए ठाकुर जी, ये भी पता चला है कि आयुष का अपनी पत्नी से जो रिलेशन था वो ठीक नहीं चल रहा था कुछ दिनों से, क्या पुलिस को इस बात की जानकारी है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा ही एंगल हो इस पूरी कहानी में, जो आयुष का साला बता रहा है वो पूरा सच ना हो? होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं दो बात कहना चाहूँगा कि आयुष का अपनी पत्नी के साथ संबंध सही नहीं था, ये अभी तक आयुष के पिता ने ही बोला है और कहीं से बात नहीं आई है। हमारे लिए बेहतर ये होता यदि आयुष हमारे सामने आ गए होते, अस्पताल से निकल के कहीं और नहीं गए होते, क्योंकि अस्पताल से निकल कहीं और गए हैं तो इसलिए उनके खिलाफ संदेह और धीरे धीरे पुख्ता होता जा रहा है। जहाँ एक तरह उनके साले कहानी आ रही है, कि उन्होंने पिस्टल दिया हमारे गोली चलाने के लिए कहा, और दूसरी तरफ ये कहानी आ रही है खुद भागे फिर रहे हैं पुलिस से, खुद अस्पताल से ही भाग गए, अस्पताल में भी उन्होंने इलाज ऐसा कराया कि उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं, डॉक्टर की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं और हटे हुए हैं, भागे हुए हैं, उनके पिता ने भी कहा उनका संपर्क नहीं है। तो इससे ये कहना प्राथमिक दृष्टि यही लगता है कि उन्हीं का साजिश है, उन्हीं का रचा गया साजिश है जिससे बचने के लिए भागते फिर रहे हैं वो।
जी, तो क्या गिरफ्तारी के लिए आयुष की छापेमारी की जा रही है या अभी परिवार के जरिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि पुलिस के साथ पूछताछ में और पड़ताल में मदद करें? हम अभी परिवार के माध्यम से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे जैसे भी घटना दुर्घटना हुई हो, घायल तो हुए ही थे, हमारी सहानुभूति के साथ है जहाँ तक घटना की बात है, लेकिन जो साजिश है, साजिश में जो उन्होंने किया, जो अपना करवाया, उस संबंध में जो भी कानूनी कार्रवाई हो हम लोग पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे, और जो भी कार्रवाई होगी, जो भी वैधानिक कार्रवाई हम पूरा करेंगे। यदि हमारे सामने आगे समय से तो आगे, नहीं तो फिर हम गिरफ्तारी का भी हर संभव प्रयास करेंगे। क्या इस मामले में परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ होगी पुलिस जानकारी जुटाने के लिए कि आखिर आयुष ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया? जरूर जरूर होगी, और हम उनकी पत्नी से बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं इस बात में। जी, क्या पत्नी ने कुछ खुलासा किया है कि जिन लोगों को फंसाने के लिए, आदर्श का बयान है कि कुछ लोगों को फंसाने के लिए गोली चलवाई, क्या पत्नी के की बातचीत से या उसके बयान से कुछ नई बात सामने आ पाई है? नहीं, उनकी पत्नी की बातचीत से इस साजिश के बारे में या उन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीके ठाकुर साहब, लखनऊ पुलिस कमिश्नर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि पूरा मामला जो है वो अभी भी जांच उस पर चल रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।